मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। आजकल कुछ लगातार प्रवास में होने के कारण रेगुलर बिल्कुल नियमित रूप से प्रत्येक दिन मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा, परंतु लक्ष्य मुझे स्पष्ट है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई वर्ष भी लगेंगे। शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो जो आज का दायित्व है, आज की चुनौती है, उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए भी मुझे देश भर में प्रवास करना पड़ रहा है। उस प्रवास के अंदर फिर रिकॉर्डिंग रोज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती, तो भी बहुत बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। निरंतर इस चैनल के माध्यम से उन महान क्रांति वीरों को आपके सामने लाने का, आपके सम्मुख लाने का जो एक प्रयास है उसको आगे बढ़ाते हुए। लेकिन ये कौन क्रांति वीर, ये कौन नायक और नायिकाएं, ये वो बाल किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारी जो देश की स्वतंत्रता के लिए सचमुच में वास्तव में सब कुछ निशावर कर गए, परंतु इन असल के हीरोज, इन असल के नायक और नायिकाओं को, महान क्रांति वीरों को इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं सामने लाया गया। तो मेरा प्रयास है कि मैं इन सारे से अज्ञात ऐसे असंख्य नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं। कुछ दिन पहले रूटीन से हट करके पंजाबी सुर में मैंने आपके सामने रखे, अब कुछ दिन से मैं महिला क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला क्रांतिकारी, उनको आपके सामने ला रहा हूं। आज जिस महान ऐसी महिला क्रांतिकारी को आपके सामने ला रहा हूं, देखिए कमाल, हर एक का व्यक्तित्व अलग है, हर एक का क्रांतिकारी आंदोलन में एंट्री अलग है, हर एक का क्रियाकलाप अलग है, लक्ष्य यद्यपि एक है परंतु चुनौतियां अलग अलग है, समय अलग है, अवसर अलग है। तो उन अलग चुनौतियों को अलग तरीके से सामना करने का काम करने वाले ये महान नायक और नायिकाओं में, और आज जिस नायिका का हम आपके सामने दिग्दर्शन कराएंगे, प्रकाशवती पाल लाहौर के एक कन्या विद्यालय की अध्यापिका प्रेमवती ने कक्षा में पढ़ाते हुए अपने छात्रों से कहा कि हमारा देश महान होते हुए भी आज पराधीन है। उस पराधीनता को समाप्त करने के लिए सतत प्रयत्न भी चल रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, और हमारा पंजाब भी, लाहौर पंजाब भी था ना, एक ही तो था, और हमारा पंजाब भी इस पराधीनता से मुक्ति के लिए, इस पराधीनता से मुक्ति के लिए सदैव अग्रसर रहा है और आज भी अग्रसर है। बहुत से क्रांतिकारी पुरुष महिला इस काम में लगी हुई हैं। एक छात्रा ने उठकर के प्रश्न किया, पंजाब में ऐसे कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं? टीचर को बोला, अध्यापिका प्रेमवती ये सुनकर हिचकिचाए और कहा कि इसका उत्तर कक्षा में नहीं दिया जा सकता, उत्तर देने में काफी समय भी लगेगा, छुट्टी के उपरांत तुम्हारे प्रश्न का समाधान किया जा सकेगा, आप आना मेरे पास। प्रश्न करने वाली छात्रा थी प्रकाशवती कपूर,
यही प्रकाशवती कपूर जो आगे जाके प्रकाशवती पॉल कहलाती है, और ये प्रकाशवती पॉल जिसका आज हम देखेंगे कि ये महान नायिका किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे आगे बढ़ती हुई और अंत में कहाँ लीन हो जाती है। प्रश्न करने वाली प्रकाशवती कपूर, जो बाद में प्रकाशवती पॉल बनी, प्रकाशवती के साथ उसकी सहेली लज्जा देवी ने भी एक दिन फुर्सत के समय अपनी अध्यापिका प्रेमवती से ये विषय छेड़ दिया। प्रेमवती ने उसकी जिज्ञासा और उत्कट भाव को भांप कर बताया कि किस तरह से क्रांतिकारी लोग सक्रिय हैं और लाहौर में उन्हें बम बनाने और शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सब कामों के लिए बस आवश्यकता है धन की। प्रेमवती बता रही है अपनी दूसरी शिष्या को, लज्जा देवी को। अब तो प्रकाशवती और उनकी सहेलियों का बस एक दल बन गया। क्या काम था जो धन एकत्रित करता और प्रेमवती के माध्यम से उसे क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया जाता। प्रकाशवती के मन में क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने की प्रबल इच्छा जाग उठी कि मैं क्यों नहीं क्रांतिकारी दल में शामिल हो सकती, अभी तो हम हेल्प करते हैं बाहर से शस्त्र खरीदने के लिए। ऐसा उत्कट विचार आ गया मन में। इस विचार को उसने प्रेमवती के सामने प्रकट कर दिया। प्रेमवती अभी तक की सूत्राधार थी। प्रेमवती ने उसे एक पत्र देकर कहा कि वे क्रांतिकारी जशपाल से जाकर मिले। उस पत्र को जशपाल को देकर प्रकाशवती ने अपने दिल की बात कही। रोचक है जरा प्रसंग। क्या कहा? दिल की बात भी कही और साथ ही ये भी कहा साथ में, मेरे पिताजी, इन सब बातों से दूर रखने के लिए मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देना चाहते हैं। जशपाल ने कहा, मैं समझा नहीं, बेड़ियों से आपका क्या तात्पर्य है? आप बड़े भोले हैं, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते। अब मैं समझाती हूँ। माता पिता अपनी संतान को किसी विशेष मार्ग पर जाने से रोकने के लिए उसका विवाह कर देते हैं और इसी को कहते हैं पैरों में बेड़ियां डालना। ये जशपाल जिनका नाम आ रहा है आखिर तक चलेगा? प्रकाशवती कपूर जो बाद में पॉल बनती हैं, मुख्य तो हम चर्चा आज उनकी कर रहे हैं पर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात भी होगी। और जशपाल के ऊपर मैं कई एपिसोड दे चुका हूँ। हिमाचल के नादौन के ब्यास के किनारे बसे एक नगर नादौन में उनका जन्म हुआ। कमाल उनका मैं कई कुछ दे चुका हूँ आपके सामने। आज जशपाल की चर्चा प्रकाशवती पॉल के साथ हो रही है। तो आपके पिताजी आपकी शादी करना चाहते हैं? हाँ, और उन्होंने मेरी शादी तय भी कर दी है। तो इसमें बुराई क्या है? सभी लड़कियों की शादी होती है ना, आप भी उसका आनंद लें। इस कांटों भरे मार्ग पर चलने से क्या लाभ? देखिए, बोलती है प्रकाशवती, बोलती है, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं देश की सेवा करने का और ये काम क्रांति कार्य दल में सम्मिलित होकर ही कर सकती हूं, इसलिए शादी का कोई मतलब नहीं। प्रकाशवती जी, जशपाल जी बोलते हैं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं किंतु क्रांतिकारी दल में शामिल किए जाने का कोई वायदा मैं नहीं कर सकता। मैं आपको लाहौर में अपने क्रांतिकारी साथियों से मिला देता हूं, उन्हीं के परामर्श से ये संभव हो सकेगा। जशपाल ने प्रकाशवती को अपने क्रांतिकारी साथियों से मिलवा दिया और उसे दल में सम्मिलित होने की करने की अनुमति मिल गई।
अब क्या था, पिता के प्रतिबंधों से मुक्त होने की प्रसन्नता, पिता के नाम पत्र लिखकर छत से कूदकर पिछली गली से निकलकर घर छोड़ दिया। पत्र में लिखा था, देश सेवा के कार्यों के लिए मैं घर छोड़कर जा रही हूं। प्रकाशवती को पहले तो क्रांतिकारी गतिविधियों में और उसके तौर तरीकों का प्रशिक्षण उसको दिया गया और फिर गोपनीय पर्चे बांटने का काम सौंपा गया। धीरे धीरे वो इन सब बातों से पूर्णता दक्ष होने लगी, एक्सपर्ट होने लगी, खूब अच्छी तरह से वो उसका विकास होने लगा। अब पार्टी के काम का भी विस्तार हो चुका था। बम बनाने की फैक्ट्री दिल्ली में खोली गई। यशपाल को बम बनाने का काफी अनुभव हो चुका था। यशपाल के एपिसोड के अंदर ये सारी बातें मैंने रखी थी, जम्मू में, गुड़गांव में, कहाँ कहाँ यशपाल ने बम की फैक्ट्री खोली हुई थी। प्रकाशवती के साथ यशपाल को दिल्ली भेज दिया गया। प्रकाशवती के ठहरने की व्यवस्था महाशय कृष्ण के घर पर की गई। इस प्रकार बम फैक्ट्री में काम करते करते वे उनकी बारीकियों से भी दक्ष होने लगी। पता लगने लगा मैं भी बम बना सकती हूँ। दिल्ली असेंबली में बस बम विस्फोट के कारण भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ चंद्रशेखर के एपिसोड में भी, चंद्रशेखर आजाद की योजना थी कि भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाया जाए। इसके लिए यशपाल को दिल्ली से लाहौर भेज दिया गया। प्रकाशवती दिल्ली में ही रही। प्रकाशवती कपूर जो बाद में पाल बनी, ये दिल्ली में रही। बम विस्फोट के कारण क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा, इनके भी मैं कई एपिसोड दे चुका हूँ, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाहौर की भावलपुर कोठी में बम फट जाने के फलस्वरूप भगत सिंह को छुड़ाने की योजना भी विफल हो गई। जहां फटना चाहिए था वहां ना फट करके कहीं और फट गया। यशपाल ने प्रकाशवती को अपने साला उसका जो ध्रुव देव था, ध्रुव देव के नाम एक पत्र लिखा प्रकाशवती को और ध्रुव देव के नाम से लिखा। पता नहीं कैसे उस पत्र के टुकड़े पुलिस के हाथ लग गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए महाशय कृष्ण के घर की घेराबंदी कर ली। किंतु प्रकाशपति वहां से जैसे कैसे आंखों में धूल झोंक करके ख्याली राम गुप्त के घर पहुंच गई और वे गिरफ्तारी से बच गई। दिल्ली बम विस्फोट का पुलिस को पता चल गया, अनेक लोग गिरफ्तार भी हो गए और कई लोग इधर उधर भाग गए। प्रकाशपति को अब कानपुर में चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचा दिया गया। आजाद ने प्रकाशपति को निशाना लगाना सिखा दिया, जिसमें वे काफी अभ्यस्त हो गई। आजाद की प्रेरणा से उन्होंने अपना अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ा लिया और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी व्यायाम आदि करना, योग आदि करना ये भी आरंभ हो गया। 27 फरवरी 1931 को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद के निधन से, ये काफी विस्तार से मैं दे चुका हूँ, यहाँ तो एक रेफरेंस के रूप में ही आएगा। आजाद के निधन से प्रकाशवती को काफी सदमा पहुंचा। अरे भाई, एक एक करके साथी छूटते जा रहे हैं और बहुत सुन्न सी हो गई। प्रकाशवती को एक और झटका लगा। उन्हें ऐसा लगा कि वो आश्रयहीन हो गई है चंद्रशेखर के जाने से। किंतु संकट से उबर कर वे क्रांति संगठन सूत्रों का स्वयं संचालन करने लगी। प्रकाशवती कपूर आखिर में जून 1934 में प्रकाशवती को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। यशपाल उन दिनों बरेली जेल में थे।
जेल अधीक्षक मेजर मल्होत्रा अचानक जसपाल के पास जाकर पूछते हैं कि क्या वे मिस प्रकाशवती कपूर को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मेजर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस प्रकाशवती कपूर ने डिप्टी कमिश्नर की मार्फत बरेली जेल में आपके साथ विवाह करने का प्रार्थना पत्र दिया है। एक बार फिर भावुक होकर कहा कि आप तो अभी 10-11 साल जेल में रहने वाले हैं, ऐसे में उसका त्याग देखो आप। त्याग और धर्म की भावना तो केवल हिंदू नारी में ही हो सकती है। जसपाल की सहमति लिखित रूप में प्राप्त कर बरेली जेल को अदालत के रूप में परिणत कर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर पैडले और गवाहों की उपस्थिति में जसपाल और प्रकाशवती का विवाह संपन्न हुआ। उस समय जसपाल की मां भी उपस्थित थी, उनका भी आशीर्वाद दोनों को प्राप्त हुआ। अब प्रकाशवती कपूर प्रकाशवती पॉल हो गई, जसपाल थे, जसपाल हो गए तो ये क्या हो गई, प्रकाशवती कपूर से प्रकाशवती पाल हो गई। जेल में विवाह के कारण लोगों को कुतूहल और आश्चर्य हो रहा था, किंतु आनंद के उन क्षणों में मिठाई बांटी गई। वहां से पुनः वे अपनी अपनी जेलों में वापस चले गए। जेल से छूटने के बाद ही दोनों का मिलन हुआ। चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से ही प्रकाशवती का क्रांति स्वप्न साकार हुआ। बाद में उन्होंने अपना शिक्षा क्रम जारी रखते हुए कुछ दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। ये सत्य है कि प्रकाशवती को क्रांतिकारी बनाने वाले जसपाल थे, तो ये भी निर्विवाद सत्य है कि जसपाल को लेखक बनाने में, साहित्यकार के नाते जसपाल की कीर्ति थी, जसपाल को लेखक बनाने में प्रकाशवती का भी योगदान है और वह सफल लेखक बन सके। बड़ा रोचक प्रसंग था प्रकाशवती का। आगे जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन ये एक अलग तरह का प्रसंग था। जेल के अंदर शादी, और जसपाल कमाल के क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के लिए वो बहुत बड़ा टेरर, शुरू में तो लगता था कि ये साहित्यकार व्यक्ति है, ये कोई बहुत ज़्यादा लिखता है बस, लेकिन वो लिखता ही नहीं था, वो करता भी था और बहुत कुछ करता था। और क्रांति ज्वाला को वो हमेशा ही आगे और आगे और आगे ले जाता हुआ, ये क्रांति वीर जसपाल। और प्रकाशवती कपूर, जो प्रकाशवती पाल बनी, किस तरह की शादी हुई, ये अलग तरह का प्रसंग था। दोनों महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर ने प्रकाशवती को और तराशने में जो योगदान दिया वो आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे महान क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने मैं रखने का जो प्रयास कर रहा हूँ, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।